हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हम बात कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हम आज हम ईआर मॉडल को कवर करेंगे। इसके बाद हम उसके कंपोनेंट्स को भी देखने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है इसकी। आपने अगर पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस अब तक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप सीरीज वाइज आप सीक्वेंस वाइज वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को जो है ईआर मॉडल। तो क्या होता है ये ईआर मॉडल? ईआर मॉडल को अगर हम कहें तो ईआर मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो आपसे कोई भी पूछे ईआर मॉडल का फुल फॉर्म क्या है तो आप बता सकते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इसका फुल फॉर्म है। ओके, सो ये एक मॉडल है। कैसा मॉडल है? तो ये एक हाई लेवल डेटा मॉडल है, ठीक है। और इस मॉडल को हम यूज क्यों करते हैं? देखिए, इसका फुल फॉर्म आपने जान लिया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और ये एक कैसा मॉडल है? हाई लेवल डेटा मॉडल है, यानी यहाँ पे हम डेटा के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मॉडल जो होगा वो यूज़ किया जाता है डेटा एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए। जो भी डेटा एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर, जो भी आपके डेटा एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे उसको डिफाइन करने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हम एक बेसिकली कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को डेवलप करता है, ठीक है। यानी डेटाबेस के लिए ये क्या डिज़ाइन करता है? कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को डेवलप करता है। और ये आपका बहुत ही सिंपल वे में या फिर आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू डेटा को व्यू कर सकते हो, ठीक है। सो इट ऑल्सो डेवलप अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू डिज़ाइन व्यू ऑफ डेटा। तो ये एक ऐसा तरीका डेवलप करता है जिसके थ्रू आप डेटा को आसानी से देख सकते हो, डेटा के डिज़ाइन व्यू को आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह से मॉडल जो है वो आपको ये सारी हेल्प जो प्रोवाइड करता है। ईआर मॉडल में आपका जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसे डिफाइन करने के लिए हम डायग्राम का यूज़ करते हैं। उस डायग्राम को कहा जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्या कहते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। और राइट, तो आपने इस क्या समझा कि ईआर मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और ये एक हाई लेवल डेटा मॉडल है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, डेटा एलिमेंट्स को डिफाइन करते हो और उन डेटा एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी डिफाइन करते हो इस मॉडल के थ्रू। ऑल राइट, और ये एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को डेवलप करता है किसी भी डेटाबेस के लिए, और ये आपका सिंपल और ईजी है जिसके थ्रू आप डेटा के डिज़ाइन व्यू को आसानी से समझ सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए कि आपको एक स्कूल का डेटाबेस डिज़ाइन करना है, ठीक है। स्कूल का डेटाबेस यानी यहाँ पे हम जो है स्टूडेंट्स रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसको हम स्टोर करने वाले हैं डेटाबेस के अंदर। तो हम बेसिकली क्या बना रहे हैं? एक डेटाबेस बना रहे हैं जो है स्कूल का डेटाबेस। स्कूल का डेटाबेस मान लीजिए हमें डिज़ाइन करना है। तो इस डेटाबेस में आपको क्या चाहिए होगा? मान लीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं? एंटिटी हैं, ठीक है। एंटिटी क्या होती है इसको हम डिटेल में अगली वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे ये समझ लीजिए स्टूडेंट जो है वो एंटिटी है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होगी, ठीक है। और उस स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट होंगे, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि स्टूडेंट का एड्रेस होगा, स्टूडेंट की नेम होगा, स्टूडेंट की आईडी होगी, उसका एज होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, इन्हीं को हम कहेंगे उन स्टूडेंट्स का जो है वो एट्रीब्यूट है, ठीक है। सो एड्रेस जो है वो आपका एक तरह से एंटिटी है, जिसमें आपका स्ट्रीट, सिटी, नेम, पिन कोड, ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट कहलाएंगी। तो एंटिटी के ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी एंटिटी है, एंटिटी क्या होगी? जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाए, और जो एट्रीब्यूट होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इस
डायग्राम से समझे तो हमें बेटर वे में समझ में आएगा कि ये मान लीजिए हमने स्कूल का डेटाबेस लिया था एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट को मान लेंगे एंटिटी। एंटिटी को हम ईआर डायग्राम आगे कवर करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका स्टूडेंट जो है वो एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंटिटी को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसके एट्रीब्यूट, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या क्या है, एज है उसकी, आईडी है, नेम है और एड्रेस है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जिसको हम प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये आपका जो मॉडल बना, इसी को हम बोलते हैं ईआर मॉडल। ऑल राइट, सो ईआर मॉडल में आप देख सकते हैं स्टूडेंट को हमने दिखाया जो एक एंटिटी है, और उससे रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स हैं लाइक नेम, एड्रेस, आईडी, एज, ये सारे इसके एट्रीब्यूट हैं, इनका एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, एक मॉडल तैयार कर दिया हमने, इसी को हम बोलेंगे ईआर मॉडल। ऑल राइट, तो ईआर मॉडल को अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली एंटिटीज होती हैं, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे स्टूडेंट हमारी क्या है, एंटिटी है। इसी तरह से हमारा एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस स्टूडेंट से रिलेटेड हमने एट्रीब्यूट्स देखे तो हमारे एंटिटी होती है और एट्रीब्यूट होता है, और उनके बीच में क्या रिलेशन है ये भी हमारा होता है। तो ईआर मॉडल को हम कह सकते हैं तीन तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं ईआर मॉडल के। ईआर मॉडल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एंटिटी होती है, एट्रीब्यूट होता है और रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये तीन मेन एंटिटीज है, सॉरी तीन मेन जो है वो आपके कंपोनेंट्स हैं ईआर मॉडल के, ठीक है। अब एंटिटी जो है वो आपकी दो टाइप की होती है, एक स्ट्रांग एंटिटी जिसको हम एंटिटी भी बोलते हैं, और एक होता है वीक एंटिटी, ठीक है। एट्रीब्यूट में क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कई टाइप के होंगे, प्रॉपर्टीज कई टाइप की होती हैं, जैसे की एट्रीब्यूट है, आगे हम सारे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट जब कवर करेंगे उस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि एट्रीब्यूट में कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे। की एट्रीब्यूट आएगा, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट आएगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, एंड रिलेशन में क्या आ जाएगा कि किस तरह का रिलेशन है एंटिटीज के बीच में, किस तरह का रिलेशन है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी, ये आपके फोर टाइप्स के रिलेशन होते हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे आगे की वीडियोस में। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको बस पढ़ते जाना है, और यहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज जो है वो वीडियोस में हम देखते जाएंगे कि किस तरह से आपका ईआर मॉडल जो है वो डेवलप हो रहा है। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम इस तरह से तीन कंपोनेंट्स आपके मेजरली हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही इस वीडियो में, एक बार कंक्लूड कर देती हूँ पूरी वीडियो को। क्या हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ईआर मॉडल क्या है, इसका फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और ये एक हाई लेवल डेटा मॉडल है जिसमें हम डेटा एलिमेंट्स और उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को डेवलप करते हैं डेटाबेस के लिए, किसी भी कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को डेवलप करते हैं, और यहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर होता है ईआर डायग्राम का, ईआर मॉडलिंग के लिए जो स्ट्रक्चर हम जो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, जो डायग्राम लेते हैं, उसको हम ईआर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमारे स्कूल में स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हमारे क्या होंगे, एंटिटी होंगे, उनके उनसे रिलेटेड कोई एट्रीब्यूट होंगे, जैसे एड्रेस हो सकता है, नेम हो सकता है, एज हो सकती है और उसकी आईडी हो सकती है, तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम, इस पूरे मॉडल को ही हम क्या बोलते हैं, ईआर मॉडल बोलते हैं। और यहाँ पे हम ईआर मॉडल को हमने बेसिकली देखा, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशन। एंटिटी में हमने देखा कि एक एंटिटी होती है और एक आपका वीक एंटिटी होता है जिसको हम आगे देखेंगे। एट्रीब्यूट्स में आपने की एट्रीब्यूट पढ़ा, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट पढ़ा और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट पढ़ा, देन डिराइव्ड एट्रीब्यूट पढ़ा। रिलेशन में भी आपका फोर टाइप्स है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी, सो फोर टाइप के आपके रिलेशन भी हो गए। आई होप आपको समझ में आया है, पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इस यूजफुल वीडियो का जो एडवांटेज है वो उनको भी मिले, और इस पूरी प्लेलिस्ट को जो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उस पूरे प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक करिएगा। अगर आपने चेक नहीं किया है तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज आपके डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।